क्योंकि परसिपियंट इज एब्सेंट, तो वो अध्यात्म की साक्षात्कार मूलक है, वो शास्त्र मूलक नहीं है। शास्त्र में उसका प्रक्षेप किया गया है वो अलग बात है। जो वो इसलिए शंकराचार्य ने क्या किया कि शंकराचार्य ने बोला कि ये पारमार्थिक सत्य है वो ठीक है, लेकिन व्यावहारिक सत्य को भी जब तक हम यहाँ है वहाँ तक व्यावहारिक सत्य को भी हमको स्वीकारना पड़ेगा। तो उसने वो मॉडिफाई किया, शंकराचार्य ने केवल आज़ादीवाद को मॉडिफाई किया क्योंकि वो वहाँ प्रॉब्लम आ रहा था। शंकराचार्य भी गौड़पाद कारिका का भाष्य करते वक्त इस प्रॉब्लम से एकदम घबराए हुए से दिखलाई देते हैं कि भाई ये क्या लफड़ा हो गया है। देर इज ए व्यू इन विच लीला, आजादीवाद एंड एनीथिंग एल्स कैन ऑल्सो बी कम्बाइंड टूगेदर। देर इज ए व्यू इन विच ऑल दिस कैन बी हार्मोनाइज। इन्हें वे ये बात सच है कि आजादीवाद और प्रतीति समुत्पादवाद सहोदर भाई हैं, पर इस बारे में जो सामान्यतया वेदांत संप्रदाय का अप्रोच रहा है वो सब उसको दशोपनिषद के अंतर्गत मानते हैं, और हमारे यहाँ भी दशोपनिषद के अंतर्गत माना गया है, और इसीलिए पुरुषोत्तम जी ने उसको शुद्धाद्वैत परक व्याख्यान करने का प्रयास किया। मगर जहाँ तक ये विज्ञानमय का सवाल है, वो उस वक्त मुझे ऐसे लगा था कि कोई ग्रे एरिया है जहाँ कुछ कन्फ्यूजन है। वो जैसे संदेह सृष्टि राह में ग्रे एरिया आ जाता है व्यास सूत्र के हिसाब से। अल्टीमेटली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इज द स्टैंडर्ड। अल्टीमेटली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इज द स्टैंडर्ड। शब्द प्रमाण वहाँ से आता है। शब्द प्रमाण को हम प्रमाण क्यों मानते हैं? क्योंकि वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का एक्सप्रेशन है, इसलिए हम शब्द प्रमाण को मानते हैं। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग हैज़ टू बी टेस्टेड अगेंस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। पर शब्द प्रामाण्य शंकर मत में मूल है। हाँ वो ठीक है, लेकिन शब्द पैराडॉक्स की सिचुएशन क्या है कि जो ब्रह्म की सिद्धि में मूल है वो मिथ्या है। असत्य वर्तमानि स्थित्वा ततः सत्यम समीयते न्यायेन। शास्त्र योनित्वात्, वो शब्द प्रमाण का आधार है। शब्द प्रमाण को क्यों माना गया है? क्योंकि वो आप्त वाक्य है। इट डिपेंड्स अपॉन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, अनडिनाइबल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। सो अल्टीमेटली शब्द प्रमाण स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को इंडिकेट करता है। सो इसलिए सबका जो व्यवस्था करना होता है वो व्यवस्था स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के मुताबिक होना चाहिए। इसलिए वो जो ये जो विज्ञानमय कोश है, वो विज्ञानमय कोश कारण शरीर में जाता है क्योंकि वो एक्सप्रेस्ड नहीं है यहाँ। अनलेस यू टेक विज्ञानमय एज सिंपली एन इंटेलेक्ट, यो बुद्धे बुद्धे यदि अपन कारण शरीरता भी बाहर दें ना, वो जोशी जी यदि कारण शरीरता भी बाहर दें ना, तो जो अविद्या कारण है उसकी भी दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। तो वो आनंदमय में आवरण शक्ति है और यहाँ विक्षेप शक्ति है, और विक्षेप पिछ आवरण का कार्य है। कारण वो है स्पिरिचुअली, कारण वो है जो अभी यहाँ अभिव्यक्त नहीं हुआ है, क्योंकि मूल जो आनंद है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। सो आनंद तो कारण है ही नहीं, वो तो अकारण है। आनंद और विज्ञान अभी तक यहाँ अभिव्यक्त नहीं हुए है, इसलिए उसको कारण शरीर में लिया गया है। ऐसा तो अभी विज्ञानमय कोश अभिव्यक्त होगा और कारण आनंदमय कोश भी अभी अभिव्यक्त होगा, तो वो भविष्य की बात है। पर ब्रह्म की परिभाषा में अद्वैत सिद्धि की चर्चा जहाँ आगे बढ़ी है ना, वहाँ जाके ये कह दिया गया है कि अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारी का जो शाब्दिक वृत्ति है, क्योंकि फलव्याप्यत्वमेवा से शास्त्रकृत भी निराकृतम ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्तिव्याप्यत्वमिष्यते, तो फलव्याप्यता यत्र यत्र फलव्याप्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम,
यत्र यत्र वृत्तिव्याप्यत्वं तत्र तत्र मिथ्यात्वं न भवति, और अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारिका वृत्ति से व्याप्य है, वो फलव्याप्य नहीं है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि का विषय, वृत्ति का विषय परमार्थ है, पर वृत्ति स्वयं विक्षेप है। और जब तक अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति है तब तक मुक्ति नहीं है। मुक्तावस्था में अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का भी क्षय होना चाहिए कतक रेणुवत। और कतक रेणुवत जब क्षय होगा, इसलिए वहाँ परिभाषा में क्या है, वृत्तिपष्टब्द शब्दाजन्य वृत्ति विषयत्व ब्रह्म। शुरुआत में ध्यान में समाधि में अहम ब्रह्मास्मि एक वृत्ति होती है, लेकिन दैट टर्न्स इटसेल्फ इनटू एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। एंड इफ यू डिनाई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वो तो उसमें से फलित होता है। सो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अल्टीमेटली इज अहम ब्रह्मास्मि, नॉट वृत्ति। वृत्ति इज ए साधन, है ना। वृत्ति मिथ्या है, कार्य कोटि में मिथ्या तो नहीं है, साधन है, पर मिथ्या साधन है। हाँ, मिथ्या साधन। और मिथ्या साधन भी विक्षेपात्मक है, आवरणात्मक नहीं है, क्योंकि जहाँ आवरणात्मक विक्षेप है वो निद्रावस्था है, प्राज्ञावस्था है, ऑल मेडिटेशन। और वहाँ विवरणकार ने ये खुलासा किया है कि सर्वम वस्तु ज्ञाततया व अज्ञाततया व साक्षी चैतन्य से विषय। तो साक्षी चैतन्य ऐसा है कि ज्ञाततया या अज्ञाततया, निद्रावस्था में जो अज्ञाततया वो साक्षी चैतन्य का विषय होता है, वस्तु आवरण। और प्रमाणवृत्ति जहाँ आई वहाँ ज्ञाततया विषय होता है। तो साक्षी चैतन्य के दोनों विषय हैं, पर ज्ञाततया जो विषय होता है उसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, वो केवल शब्द नहीं है, शब्द ही प्रमाण नहीं है। क्योंकि वैसे इस बारे में लोग डाउट करते हैं कि शंकराचार्य षट प्रमाणवादी से थे कि नहीं थे, पर उत्तरकालीन सारे अद्वैतियों ने व्यवहारे वयम भाट्टा न्याय से भट्ट मत में जो छह प्रमाण माने गए थे, उस तरह छह प्रमाण माने। तो छह प्रमाणों के छहों के छह प्रमाण से ज्ञाततया जो भी वस्तु है वो आविद्यक कार्यवृत्ति है, कारणवृत्ति नहीं है। हाँ। और केवल अज्ञान से जो विषय है शुद्ध आवृत, माने जिसे संक्षेप सार कहते हैं कि आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला पूर्व सिद्ध तमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचर। तो जो केवल आवरण जो है वो सत्या इसमें एक पैराडॉक्स इतना मज़ेदार है, क्योंकि वो प्रागभाव का उदाहरण देते हैं कि अनादि शांत है, ये प्रागभाव की तरह। तो अनादि शांत होने के कारण अविद्या वृत्ति जो है वो अनादि है, पर प्रमाण वृत्ति से उसका अंत होता है, निषेध हो सकता है, निषेध होता है। हाँ सर, अल्टीमेटली ऑल मेडिटेशन एंड ऑल आवर साधना इज वृत्ति मूलक है। और इसकी चर्चा जब आगे बढ़ी, वृत्ति मूलक वो जो वृत्ति में से एक्सपीरियंस में टर्न होता है ना, इसकी चर्चा जब रामानुज और वेदांत देशिक ने आगे बढ़ाई तब वहाँ, और शायद तो हमारे यहाँ भी विद्वान मंडन में वो रामानुजाचार्य के वेदांत देशिक की लाइन को पकड़ के प्रभुचरण गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने भी उस चर्चा को थोड़ा टेकल किया है। तो वहाँ वो ये एक आर्ग्यूमेंट देते हैं कि विक्षेपात्मिका प्रमाणवृत्ति से आवरणात्मिका जो कारण वृत्ति है उसका नाश हो सकता है, वो नाश फिर मिथ्या है कि पारमार्थिक है। तो उसमें ये कहा गया कि नाश जो है उसको पारमार्थिक मानोगे तो द्वैत हो जाएगा कि एक नाश और एक ब्रह्म, और ब्रह्म नाशात्मक तो है नहीं। तो वहाँ फिर वो स्टैंड लिया गया कि जो अभाव अभाव जो है, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति का अभाव, वो परमार्थिक है कि व्यावहारिक है कि प्रातिभासिक है। नहीं, ये प्रश्न रामानुज के और
इनके चर्चा में वो ठीक है. माई कंटेंशन इज दैट वृत्ति टर्न्स इटसेल्फ इनटू इट्स समथिंग ओपन्स एंड यू गो इनटू अनदर डायमेंशन वेयर द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इज रियल वैलिड. सो ये साधन है वृत्ति नहीं साधन है. पर मैं जब जिस बात पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि जब वो चर्चा आगे बढ़ी है तब अंत में इस तरह से कबूल करना पड़ा कि यदि नाश का आधार मानते हो तो आधार आधेय भाव का द्वैत आएगा. तो उन्होंने कहा कि नाशोपलक्षित है आधार नहीं है. नाशोपलक्षित आधारता है और वो निषेध शेषात्मिका आधारता है. तो क्योंकि वादी भद्रम न पश्यति तो वैष्णव आचार्य जो माधवर रामानुज हैं उन्होंने फिर ये प्रश्न उठाया है कि उपलक्षितता व्यावहारिक है पारमार्थिक है. सो देयर इज एन एंडलेस रिग्रेस है कि वो क्या है. और सबसे अच्छा इसका जवाब श्रीहर्ष ने दिया है कि किन्न पश्यसि संसारम तत्रैव ज्ञान कल्पित मूढ़ वहाँ गाली दी है. कह रहे मूढ़ समझता नहीं है. माया का अपलाप करते हो तुम. माया का अपलाप कैसे कर सकते हो. किन्न पश्यसि संसारम तत्रा ज्ञान न कल्पितम. हमारे गुरुजी थे सुब्रमण्यम शास्त्री. वो कहते थे कि हर शास्त्र चर्चा में पहले वाचा वाची होती है फिर मुष्टा मुष्टी होती है अंत में डंडा डंडी होके शास्त्र समाप्त हो जाता है. वो कौन सा व्याकरण का नियम है अन्योन्य. वी डू नॉट कीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एज अ स्टैंडर्ड. वो बात तो सत्य है ना. क्योंकि यदि ब्रह्मात्मक हो जाएगा तो न वादी रहेगा न प्रतिवादी रहेगा न वाद रहेगा. ब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म किसी से वाद करने नहीं जाएगा. हाँ और पुरुषोत्तम भी तो कल्पित है ना. शंकराचार्य ने कहा है. नहीं तो फिर शंकराचार्य तो पुरुषोत्तम निर्गुण निर्गुण निराकार निर्विशेष नहीं है ना. वो तो विरुद्ध धर्माश्रय सग. हमारी वी आर लुकिंग एट हिम एज ए विरुद्ध धर्माश्रय. ही इज यू नो व्हाट इज इन्फिनिटी एंड. नहीं विरुद्ध धर्माश्रय तो वैसे शंकराचार्य ने भी मानी है. वो ठीक है. वो बोलने के लिए है. वही बात विरुद्ध धर्माश्रय बात नहीं है हमारे में. वस्तुता विरुद्ध धर्माश्रय नहीं है पर कल्पित विरुद्ध धर्माश्रयता ब्रह्म में मानी है. वी कैन नॉट डिफाइन इट अदरवाइज. क्योंकि नैयायिकों को चुप करने के लिए तस्मात् तार्किक चाट भट राजा अप्रवेश्यम अभयं दुर्गम इदम अल्पबुद्ध्यगमम शास्त्र गुरु प्रसाद रहितेश्च तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके इत्यादि विरुद्ध धर्म समवायित्व प्रकाशक मंत्र वर्णेभ्यश्च. ही इज अबव ऑल. वो नैयायिकों को कहते हैं. ही इज अबव ऑल. हाँ अनोरणीयान महतो महीयान ही इज सम टू बोथ. तार्किकैस्तु परित्यक्तागम बलै परित्यक्तागमय आकुली कृतो शास्त्रार्थ. तो वहाँ आगम बल का समर्थन लेते हैं पर जहाँ चरपट पंजनिमिका में न वेदा न यज्ञा न तीर्था ब्रुवंती न मे धारणा ध्यान योगादयोपि वो स्टैंड ले लिया पारमार्थिक. तो ये बहुत सारा इस सिनेरियो को मैंने इसको नरेशन को एसेस कैसे करना. केवलाद्वैत से एसेस करना कि केवलाद्वैत के कॉन्टेक्स्ट के बिना केवल औपनिषदिक पर्सपेक्टिव से एसेस करना. तो उसमें अंत में यही सोचा गया. हाँ मैंने हमारे यहाँ पुरुषोत्तम जी ने ये सोचा कि जरूरी नहीं है. और अभी जैसे कि मैंने एक या दो दिन पहले बताया था कि अभी जो एक नया विचार प्रस्तुत हुआ है
वो बहुत किताब बिक रही है अंग्रेजी में, अमेरिकन ऑथर है कोई, और वो ये कहता है ब्रह्म नहीं मानता है, वही सारे जगत को मिथ्या मानता है। वो सारे जगत को मिथ्या क्यों मानता है कि कोई सुपर कंप्यूटर किसी दूसरे लोक में कोई ऐसा है कि उसने ये वर्चुअल रियलिटी पैदा की है, एंड वी आर ऑल वर्चुअल रियलिटी ऑफ दैट कंप्यूटर। बात हुई थी वो क्वांटम मैकेनिक्स वही बोलता है कि ये तो एनर्जी है, वो एनर्जी में से पुद्गल कैसे होता है। फ्रिट्ज काप्रा भी यही कह रहा है, पर उसने तो फिर भी डांसिंग वो जो है उसमें स्वीकारा है, मगर ये तो एक कदम आगे जाके कह रहा है कि ब्रह्म में कुछ नहीं है, सब कल्पित है। वो मल्टी तो वो निषेध शेषो जयता दशेष, मने निषेधाधिकरणत्वेन जो ब्रह्म सिद्ध हो रहा है वो भी असिद्ध हो रहा है। मल्टीवर्स, मल्टीवर्स जो बोलते हैं, वो जो उसने जो लिखा है स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग्स के कलीग ने लिखा है, तो वो क्या बोलता है कि एनर्जी इज द फंडामेंटल थिंग बट एनर्जी टर्न्स इनटू पार्टिकल्स। वो कोई ऐसे टेम्परेचर पे होता है जो टेम्परेचर अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है, और फिर लोअर टेम्परेचर पे वो मिश्रण हो जाता है। सो द न्यूक्लियर पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एनर्जी एट ए वेरी हाई टेम्परेचर विच इज़ नॉट पॉसिबल हियर टू ऑब्टेन। पर इसमें चक्कर ये है जोशी जी कि जो साइंस की, मॉडर्न साइंस की एनर्जी की कल्पना है वो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द रिलेटिविटी, और उनके यहाँ अनरिलेटेड है। वो ठीक है अद्वैत के कारण, लेकिन अगर अद्वैत के ऊपर ओवर एम्फेसिस के कारण जहाँ भी संबंध आया वहाँ मिथ्यात्व आ रहा है। वो ठीक है, लेकिन हम अगर सच्चिदानंद, क्योंकि असंगोदासीन है, ठीक है, लेकिन हम अगर साइंस की जो एनर्जी है वो असंगोदासीन नहीं है, और ब्राह्मिक एनर्जी असंगोदासीन है, तो जहाँ भी संग और औदासीन्य निवृत्त हुआ। इफ़ यू कंसिडर सच्चिदानंद, इफ़ यू कंसिडर सच्चिदानंद, जो चित है वो चित शक्ति है, और वो शक्ति है इसलिए शक्ति के पीछे चित होता है, लेकिन इन द फ्रंट वेदर इट इज असंगोदासीन, वो असंगोदासीन तो वो आपका जो पारिभाषिक शब्द है मुझे नहीं, वो पारिभाषिक शब्द नहीं, वेद का है शब्द कि ब्रह्म होगा असंगोदासीन है, ये बृहदारण्यक छांदोग्य अपने का ही है। अगर एनर्जी व्यवस्था से काम कर रही है क्योंकि इसके पीछे चैतन्य है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि यदि ब्रह्म तत्वतः असंगोदासीन है और व्यवहारतः वो संग और औदासीन उसमें से निवृत्त होता है एनर्जी के रूप में, तो वो एनर्जी के रूप में व्यवहारतः हो रहा है, तो वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में, जिस ब्रह्म की जिज्ञासा हम कर रहे हैं वो तो असंगोदासीन है, और जिस ब्रह्म का लक्षण दे रहे हैं वो ससंग और निरुदासीन है, तो जिज्ञास्य और लक्ष्य ब्रह्म में भेद आ रहा है, और वो उसका समाधान बहुत फिर जटिल हो जाता है। उसका समाधान अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम ब्रह्म में है। अक्षर ब्रह्म इज असंगोदासीन आपके हिसाब से, और जो पुरुषोत्तम है, नहीं, वाल्लभ वेदांत का यदि सवाल है ना, तो असंगोदासीन इसलिए है, असंगोदासीन इसलिए है कि स्वरूपता उसमें द्वैत है ही नहीं, पर इच्छा तो उसमें पोटेंशियलिटी है, जैसे अरविंदो कहते हैं ना कि गॉड इज वन बट उसकी यूनिटी बैरन नहीं है, वो चाहे तब अनेक भी हो सकता है, गॉड इज वन तो उसकी यूनिटी, उसके लिए बाउंडेज नहीं है, तो वो तो वल्लभ वेदांत वाला कंसेप्ट है, तो वहाँ तो बात समझ में आ जाती है, तो वही है। पर यदि पारमार्थिक और व्यावहारिक के अर्थ में अपन उसको घटा रहे हैं सत्ता के भेद से, तब तो फिर बहुत लफड़ा है, क्योंकि जिज्ञासा ब्रह्म और लक्ष्य ब्रह्म अलग हो रहा है। वही तो बात है, हमारे यहाँ नरसिंह मेहता ने गाया है, ग्रंथ गड़बड़ करी बात न खरी करी
मूल में ये बात है। खैर और कोई सवाल है? बहुत खुशी है आज आज अपने, मोस्ट वेलकम। ये जो यू एंटर्ड इन आवर डिस्कशन वेरी एप्टली, वेरी मोस्ट वेलकम। अब आप साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च नहीं रहे। नहीं, इसी दिन मुझे लगता कि आप साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, पर अब मोस्ट वेलकम, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव ऑर्गेनाइज दिस सेमिनार फॉर। ये जो शरद बाबा ने जो बात कही, प्रवृत्ति कर्म और दोष, यदि कर्म की भावना है तो दोष में ही क्यों कन्फाइन करना उसको? यदि ये बात होती कि प्रवृत्ति और कर्म की भावना तो बराबर है, पर ये जो आपने दोष के ब्रैकेट में कर्म की भावना कर दी ना, तो जो भी कर्म की भावना है वो दोष से रिलेटेड, तो वहाँ को ओपन थोड़ो प्रवृत्ति और कर्म की भावना, तो हाँ बिल्कुल, ये दोष शब्द के कारण थोड़ो बिल्कुल मानू मैं बात। नहीं बता दे। देख, एक आर्थिक भावना हुए और एक शाब्दिक भावना हुए, तो अब अपन ने माँ अपने यहाँ महाप्रभु जी ने वह तरीके के दो तरीके की भावना नहीं मानी है, क्योंकि महाप्रभु जी के मत के अनुसार वेद जो है वो कर्म और कर्मफल को संबंध दिखावे है, संबंध दर्शन निदर्शन मात्र करे है। भावना वाक्य पाठ में होए तो कोई आदमी अधार्मिक रह नहीं जाए महाप्रभु जी के, क्योंकि यदि अपन वाकु आप्त वचन माने या अपन ईश्वर वचन माने, आप्त वचन से मेरा तात्पर्य ऋषि वचन, या ईश्वर वचन माने या नित्य शब्द मान के, न ईश्वर वचन है न आप्त वचन है, नित्य शब्द राशि है, और नित्य शब्द राशि होने के कारण जो शाब्दी भावना है वो नित्य भावना है, वो वेदांत देशिक जैसे कहें कि मीमांसाया कबंधम कतिचंद जगरहु राहु कल्पम शिरोन्य किंत इरंतर विरोध प्रमुषित मतिभिर बाह्य कल्प ही भ्रमद भी स्वाध्याय अध्याय कार्तने स्वविधि परविधि प्रेरणा तावदास्ताम कृष्णापात प्रतीत किमिति कृतधिय कृष्ण चिंता न कुरियो। तो या तरीके को जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट वा पीरियड में बौद्ध मत ने भी स्वीकार्यो, जैन मत ने भी स्वीकार्यो, जैन मत के अनुसार भी उनके जो आगम हैं वो नित्य शब्द राशि है, और बुद्ध के वक़्त बोले नहीं पर वो शब्द गूंजे थे सर्वम क्षणिकम सर्वम, तो कुमारिल भट्ट उच्च बोले नहीं पर ये शब्द गूंजे थे एनवायरमेंट में, तो कुमारिल भट्ट कहें कि वास स्थिति में वो भूत के वचन आते, प्रेत के वचन आते, कि पिशाच के वचन, हमको निर्णय कैसे हुआ है? और बुद्ध को बौद्धन को तो डांट लपट डपट लगा के चुप कर दियो, पर जब नित्य शब्द मान रहे हो और वेदा प्रमाणम अपौरुषेयत्वात् अपौरुषेय वचन है, तो वाक्य मतलब ये है अपौरुषेय क्यों कि अस्मर्यमाण कर्त कर्तव्य। तो जैन लोग कहें कि भाई तुम भूल गए होगे, जैन लोग ये कहें कि तुम भूल गए होगे, और वो कहें कि हमको याद है। जैनन को क्या याद है ये भी समझने लायक बात है कि एक राजा ने दान दक्षिणा को ऐलान कियो कि भाई अमुक दिन में दान दक्षिणा करूँगा, और सब जैन मुनि आओ, तब तक वैदिक धर्म नहीं आता तो। और वो जो राजा के यहाँ दक्षिणा लेने के जाने को जो रास्ता आता, तो वह जैसे अपने यहाँ विद्यापीठ में लोन है ऐसा, तो
और लोन पे पैर धरना हिंसा हुए, तो कुछ जैन मुनि तैयार हो गए दक्षिणा लेने के लिए, तो उनको जैन ने निकाल दिए कि तुम अयोग्य हो, मुनि ने उनने वेद रचना करी है दक्षिणा लेने के लिए। वाकेले पौरुष है वो, क्या हमको याद है कि वेद पौरुष है, क्योंकि हमारे कुछ भ्रष्ट जैन मुनि ने दक्षिणा के लोभ में वेद की रचना करी है। बौद्ध ये बात नहीं कह रहे हैं, बौद्ध मूल में बौद्ध ये कहते थे कि वेद प्रमाण है कि अप्रमाण है, ये उत्तर दिए जाने की न या साइड में न वा साइड में, ये जवाब देने लायक प्रश्न नहीं है। ईश्वर है कि नहीं ये भी जवाब देने लायक प्रश्न नहीं है, पर जहाँ तक अपौरुषेयता का प्रश्न है वाकु वो लोग नहीं माने परवर्ती बौद्ध ने, पर ऐसे अपौरुषेय वचन बौद्ध के सामने भी प्रकट भए और वही अपौरुषेयता कुमारिल भट्ट ने रेडीमेड वहाँ से ली है। वाकेले वेदांत देशिक हल्ला मचा रहे हैं कि मीमांसाया कबंधम कतिचंद जगरु राहुकल्पम शिरोन्य किंतर अंतर विरोध प्रमुषित मतिभिर बाह्य कल्प ही भ्रमक भी, बाह्य कल्प से इनकी मति प्रमुषित भई है। कौन की? कुमारिल की, क्योंकि वो जो कह रहे थे मियाँ की जूती और मियाँ का सिर करना चाह रहे हैं, जैसे तुम कह रहे हो कि बोले नहीं और ये शब्द गूंज गए सब जगह, ऐसे कोई बोले नहीं है हमारे यहाँ ईश्वर, और ये शब्द जो है वो नित्य शब्द आकाश में है, और जबरदस्त वाको शास्त्रार्थ है। तो कुमारिल भट्टन के यहाँ जो है ये शाब्दी भावना नित्य है। अब वो नित्य शाब्दी भावना जो है जैनन ने भी वही फॉर्मेट एडॉप्ट किया है। क्यों एडॉप्ट किया है वह कारण समझो कि धर्म अधर्म के जो पुद्गल हैं वह को ईश्वर की जरूरत नहीं है, और वो क्या कहें वो लोग ऑकम्स रेजर जैसे कहें वहाँ वेस्टर्न फिलोसफी में, वो अपने आप तर्क लाघव को सिद्धांत है जो ओकम्स रेजर है वहाँ, तो वो ये कहें कि यदि ईश्वर है और अक्ल वालों है तो कर्म के अनुसार ही फल देगो, और अक्ल वालों नहीं है और मन चाहे फल दे रहे हो तो आपको ईश्वर मानने की जरूरत नहीं है। तो इन आइदर केस कौमुदी यदि ना आयाति वृत्ताभाष्य परिश्रम, कौमुदी यदि चायाति वृत्ताभाष्य परिश्रम, सब भाष्य को कोई तरह से कैंसल करो, कौमुदी को प्रमोट करो। वो जो वैयाकरण में अप्रोच आयो ऐसे जैनन ने अप्रोच लियो कि ईश्वर को कोई तरह से कैंसल करो पर कर्म को प्रमोट करो, और कर्म के सारे पैरामीटर जैन धर्म में वही हैं जो अपने पैरामीटर हैं, नवी मारई नवी चोरई परदारा नई विदर, ये सब वेद में ही बातें। तो अब चक्कर ये है कि ये धर्म है कि अधर्म है ये निर्धारण कौन ने कियो? तो मनुष्य तो वाको सब्जेक्ट है और जीव आत्मा अनादि है, ऐसे ही धर्म निर्धारक और अधर्म निर्धारक माने जीव की ऊर्ध्वगति और अधोगति के जो कर्म हैं वो नित्य शाश्वत नियम है, शाश्वत नियम है। वाकेले वाकु ईश्वर की जरूरत है नहीं फलात उपपत्ते, वो नियम को शाश्वत कर रहे हैं, बात ध्यान समझ, वह नियम के कॉन्स्टिट्यूशन को मीमांसक शाश्वत कर रहे हैं, और वह नियम के कॉन्स्टिट्यूशन को बौद्ध कह रहे हैं कि बुद्ध तो बोले नहीं पर चारों ओर से ये शब्द हैं गूंजने लग गए। वाक्य इन सब के अगेंस्ट नैयाई करने हल्ला मचायो कि नहीं ये आप्तवाणी है और ईश्वर जो है वो आप्ततम है, तो आप्त वचन प्रामाण्य आयो। तो एक 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 स्टैंड ये है कि आप्त वचनत्वाद वेद प्रमाण है, दूसरा एक स्टैंड ये कि नहीं आप्त वचनत्वाद प्रमाण नहीं है क्योंकि या में तो पारतंत्र आ रहे हो है,
परत प्रामाण्य आ रहे हो कुतो वेदा प्रमाण।